इस टॉपिक में वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग दैट वी हैव डिस्कस्ड ऑलरेडी, दैट इज SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इज वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल थिंग्स इन द ऑनलाइन वर्ल्ड. पूरी ये जो ऑनलाइन वेबसाइट्स की एक दुनिया है जिसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट है ऑनलाइन, दे ऑल आर रन बाय दिस वन थिंग कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. क्यों? बिकॉज पीपल एक्सेस वेबसाइट्स, पीपल डिस्कवर वेबसाइट्स, पीपल डिस्कवर इंफॉर्मेशन थ्रू दिस सिंपल एक्ट दैट इज कॉल्ड एज SEO या सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन. तो पहला तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है और बड़ा जरूरी क्वेश्चन है, वो ये है कि SEO होती क्या है. What is SEO? SEO, या जिसको हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, is a set of tools. It is a set of technical expertise जिससे आप अपनी वेबसाइट की रैंकिंग अच्छी कर सकते हैं और अपनी साइट को ज़्यादा से ज़्यादा विजिबल बना सकते हैं. बट अपनी साइट को आपने क्यों विजिबल बनाना है? अपनी साइट को आपने इसलिए विजिबल बनाना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपका कंटेंट देखें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके कंटेंट को डिस्कवर कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी साइट पे आके ट्रांजैक्शंस कर सकें. That's why it's super critical to understand what is SEO and understand how SEO really, really works. So, ek aur question ki SEO zaruri kyun hai? Why is SEO important? Why is SEO super critical as well? Ye SEO isliye zaruri hai because internet pe there are hundreds and thousands and millions of websites. और उसमें से आपने अगर अपनी वेबसाइट को डिस्कवर कराना है तो उसके लिए जो टेक्निक यूज़ होगी उसको हम ऑब्वियसली कहेंगे SEO. सो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स वेरी क्रिटिकल कि आपको इस टेक्निक का पता हो, आपको इस टेक्निक को यूज़ करना आता हो और आपको इस टेक्निक को यूज़ करते हुए अपनी साइट को ज़्यादा विजिबल बनाने का आर्ट भी आता हो. SEO कैन मेक और ब्रेक योर वेबसाइट. तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वो प्लगइन्स हैं जिनको यूज़ करते हुए आप अपनी वेबसाइट को ज़्यादा विजिबल कर सकते हैं. बट इस टॉपिक पे हम प्लगइन्स डिस्कस नहीं करेंगे, प्लगइन्स हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट टॉपिक. इस टॉपिक में हम ज़्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं कि SEO के लिए कौन से फैक्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, SEO क्यों ज़रूरी है, SEO से क्या आपकी वेबसाइट पर फ़र्क पड़ता है, SEO से क्या किस तरह से आपकी साइट की डिस्कवरेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, एंड व्हाट आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग्स फॉर वर्डप्रेस SEO. याद रखिएगा कि जर्नल वेबसाइट SEO और वर्डप्रेस SEO में काफ़ी ज़्यादा फर्क है, क्योंकि वर्डप्रेस इज़ अ कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. वर्डप्रेस इज़ यूज्ड बाय मोर देन 30% ऑफ द इंटायर वेबसाइट ऑन द इंटरनेट. तो वर्डप्रेस की जो SEO है और जर्नल SEO जो है ऑनलाइन, उसमें थोड़ा सा आपको फ़र्क नज़र आएगा. मैं आपको वर्डप्रेस के कुछ SEO के फैक्टर्स के बारे में बताना चाहूँगा. सबसे पहले तो आ जाता है आपके वेबसाइट की स्पीड, आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट की स्पीड. अगर आपकी वर्डप्रेस की वेबसाइट की स्पीड अच्छी है तो आपकी SEO भी अच्छी होगी. वाई दैट इज़ इम्पॉर्टेंट? बिकॉज मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स आर नाउ एक्सेस्ड by mobile users. So it's important for SEO कि आपकी साइट loads up really fast on mobile. तो ये हो गया एक फैक्टर. इसके साथ साथ आपकी साइट क्या मोबाइल रेडी है कि नहीं है, आपकी साइट का जो लेआउट है वो मोबाइल के लिए ऑप्टिमाइज्ड है कि नहीं है, दैट्स गोइंग टू बी सुपर क्रिटिकल एंड दैट विल डिफाइन हाउ गुड इज़ योर वेबसाइट ऑन द मोबाइल और उसकी SEO अच्छी है कि नहीं है. साथ ही साथ देयर आर अदर फैक्टर्स कि आपकी साइट की सिक्योरिटी कितनी ज़्यादा है, आपकी साइट पे ऑब्वियसली कीवर्ड्स कितने ज़्यादा हैं, आपकी साइट पे इंफॉर्मेशन का लेआउट कितना इजी है. दीज आर
some of those factors which define what SEO is. But then mein rakhiyega, SEO is not that easy as well. SEO is a whole field. Puri ek industry hai SEO. To aap DigiSkills.pk pe ek aur course hai jiska naam hai Search Engine Optimization by Usman Lateef. Wo aap jaake le sakte hain aur Usman ki story aap sun bhi sakte hain. Usman is one of the superheroes jinko humne is course mein aapse introduce kiya hai taaki aap unse direct seekh sakein, aap unse direct learn kar sakein aur direct unki story ko sun ke usse you can get some tips on how to be a good SEO marketer. So, ab hum ye karte hain, hum live jaate hain aur live jaake aapko dikhate hain ki kaun se factors hain SEO ke jo aapki site pe bahut zyada matter karenge. So, hum kya seekhna cha rahe hain? Hum seekhna cha rahe hain SEO, but most importantly we are trying to learn WordPress SEO. Hum Google pe jaake likhte hain WordPress SEO aur hum dekhte hain ki hamare paas kya articles aur information aati hai. Sabse pehle हमारे पास Yoast SEO का प्लगइन आता है जिसको मैं आपको ट्राई कराऊंगा ताकि आप इसको डिटेल में देख सकें स्टडी कर सकें बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई वांट टू सर्च फॉर गूगल SEO फैक्टर्स ये वो फैक्टर्स हैं जिससे आप देख सकते हैं कि साइट गूगल पे कैसे रैंक होती है तो लेट्स स्टडी इट एंड लेट्स सी कि क्या वो फैक्टर्स हैं जो गूगल देखता है The first of all is accessible URL. Accessible URL क्या होता है? एक ऐसा URL जो कि बड़े easily search engine के जो bots हैं, उनको accessible हो और साथ ही साथ it's also secure. Page speed. तो mobile page speed आपकी बहुत matter करती है. Mobile friendliness आपकी website की बहुत matter करती है. जिससे ये आइडिया हो कि आपकी वेबसाइट की ओरिएंटेशन मोबाइल पे कितनी इजी है कितनी ज़रूरी है डोमेन की एज यूआरएल और अथॉरिटी बड़ी मैटर करती है आपकी वेबसाइट का कंटेंट कितना ऑप्टिमाइज है ये बड़ा मैटर करता है और साथ ही साथ थिंग्स लाइक आपके कंटेंट की लेंथ कितनी है वो बहुत मैटर करती है अगर आप वीडियो यूज़ कर रहे हैं कि नहीं ये बहुत मैटर करता है टेक्निकल SEO कीवर्ड्स फ्रेजेस कितने हैं ये बहुत मैटर करता है मेटा डिस्क्रिप्शन यूज़र एक्सपीरियंस आपकी साइट का बहुत ज़्यादा मैटर करता है लिंक्स इंटरनल एक्सटर्नल आउटबाउंड इनबाउंड ये लिंक्स बहुत मैटर करते हैं सोशल सिग्नल्स आपकी साइट के कि सोशल पे कंटेंट शेयर हो रहा है कि नहीं हो रहा कैसे रिएक्ट हो रहा है और रियल बिजनेस इंफॉर्मेशन ये सारे फैक्टर्स हैं कुछ जो कि आपकी साइट को बताते हैं कि वो SEO में कितनी अच्छी है एंड विच इज़ वाई We'll go back and we'll search for WordPress SEO और हम जाएंगे Yoast SEO के plugin पे. So ये वो plugin है which has for generations defined SEO for everyone and not just everyone but everyone who use WordPress. आप देख सकते हैं कि Yoast SEO is the number one WordPress SEO plugin. 5 million active installations है which is huge. साथ ही साथ it was very recently updated as well aur iski ratings bhi bahut achhi hain and it is widely acclaimed in the whole wordpress community as one of the best seo plugins iski features hain such as xml sitemaps breadcrumbs canonical urls title and meta description so ye sari features milke make yoast seo the best seo plugin aur isko hum agle topic mein dekhenge ki kaise yoast seo ko use karke aap apni site ko zyada SEO रेडी गूगल के लिए बना सकते हैं मोर विजिबिलिटी मोर यूजर्स मीन्स मोर कैश मीन्स यू बीइंग वेरी हैप्पी एंड दैट्स व्हाई वी वांट टू मेक यू हैप्पी इसीलिए हम आपको SEO सिखाना चाह रहे हैं हमारे साथ इस डिजी स्किल्स की जर्नी में साथ रहें हमारे हमसे सीखें कनेक्ट करें ग्रो करें ताकि मिल के वी कैन मेक पाकिस्तान नंबर वन कंट्री इन द ग्लोबल डिजिटल इकॉनमी